हाँ जी मेरी YouTube फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब? क्या है, खूब मजे में हो गए? और अभी मैं आ गया हूँ अलास्का के सिटी सीवर्ड में और ट्रेन से उतरा ही हूँ। इस वाली ट्रेन की जो वीडियो है वो मैंने नहीं बनाई क्योंकि जो ट्रेन है वो सेम ही है, बट इसका नाम देनाली स्टार नहीं है, ये है कोस्टल क्लासिक। और 4 घंटे की राइड थी, सुबह 6:45 पे ट्रेन चली थी और अभी 11:15 हो रहे हैं। और यहाँ से मुझे लेनी है एक बोट, और बोट वालों की जो शटल है वो पार्क्ड है पार्किंग में, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे बोट के ऊपर। और 6 घंटे का टूर होने वाला है केनाई फ्योर्ड्स नेशनल पार्क का, तो ग्लेशियर्स आज बहुत सारे हम लोग देखेंगे। और ये जो ट्रेन राइड भी है, सिर्फ थोड़ी सी देर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ थे, जैसा पिक्चर्स में देखा है इंस्टाग्राम के ऊपर, देखा ना लेक्स जहाँ पे स्काई ब्लू कलर का पानी होता है, तो वो आज मैंने देखा, ग्रे पानी देखा, बहुत सारे पहाड़ देखे जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ थी, तो बहुत ही अमेजिंग ट्रिप रहा। और अब बोर्ड करते हैं अपनी शटल में। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी बसेस खड़ी हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की जो बोट टूर करवाते हैं, और बेरली 3 मिनट की ड्राइव थी और पहुँच गए हैं केनाई फ्योर्ड्स टूर के ऊपर। पर पर्सन $150 है टिकट और 6 आवर्स वाला टूर है। Be ready for a bigger, bumpier ride. Prepare for possible motion sickness. Be aware we may not make it all the way to the glacier. तो instructions आपने सुने लिए होंगे। तो आज कोई यहाँ पे marine weather warning चल रही है, जिसके हिसाब से जो tour वाले उन्होंने हमें बताया है कि जो ride है वो काफी bumpy हो सकती है। जो भी हमारा captain होगा वो try करेगा glacier के पास जाने का, और जा पाए तो ठीक, अगर उसको लगेगा कि सबके लिए सही नहीं है तो बोट को आधे में से ही वो लोग वापस ले आएंगे और इस कंडीशन में जो आधे पैसे हैं वो वापस मिल जाएंगे। बट ये तो मेरे साथ हो रहा है, बट अगर आप आते हो तो एक बंदे का जो टिकट है वो है $150, 6 घंटे वाला ये टूर है। इसके अलावा एक दूसरा टूर भी होता है जो कि 3 आवर्स का रहता है। तो अब चलते हैं, चेक इन करते हैं। और अंदर एक गिफ्ट शॉप भी है जहाँ पे सारा गियर है, अगर आप जा रहे हो बोट के ऊपर, आपको लग रहा है ठंड ज़्यादा है तो कपड़े भी यहाँ से खरीद सकते हो, सॉक्स से लेकर हर चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी। और चेक इन कर लिया है, और का वॉयज है हमारी बोट, और व्यू जो है वो आप देख सकते हो, अमेजिंग व्यूज़, बहुत सारी बोट्स, और ये सारी जो बोट्स हैं ये टूर वाली ही बोट्स हैं। बहुत सारे पहाड़ जो हैं बर्फ़ से ढके हुए, बहुत हिस्ट्री, सब कुछ इन्होंने बताया, बट वो सब तो मैं नहीं दिखा सकता, उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा एंड डेफिनेटली आओ। एंड पानी का जो कलर है ना, ऐसा इंस्टाग्राम पे देखा था, पहली बार रियलिटी में देख रहा हूँ, मतलब ऐसा भी पानी होता है, वाओ। पहली बोट देखी ताना नाना, और अब अपनी और का वॉयज ढूंढते हैं। ये सारी टूर वाली बोट्स ही हैं और लंच भी ये लोग सर्व करते हैं आपको, वो इंक्लूडेड रहता है कॉस्ट में। ये है अपनी बोट, चलते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर लिखा रहेगा, ये नंबर आपको बोट वालों को देना है, एंड दैट्स इट। तो अब बोट पे मैं आ गया हूँ, और यहाँ से जो आप वीडियो आगे देखोगे ज्यादातर जो पार्ट होगा वो वॉइस ओवर ही होगा, क्योंकि बोट बहुत ज्यादा क्राउडेड थी और बहुत ज्यादा विंडी ये सिचुएशन थी जहाँ पे मैं पूरी जगह पे था, तो वॉइस ओवर चलेगा पूरी जगह पे। एंड जो व्यूज थे यार, अमेजिंग व्यूज थे पूरे ट्रिप के टाइम पे। और यहाँ पे 2 फ्लोर्स मिलते हैं, आप नीचे भी बैठना चाहो नीचे बैठ सकते हो, और अगर आप ऊपर बैठना चाहते हो ओपन में तो वो भी आप बैठ सकते हो। ये जब भी आप क्लिप देख रहे हो ये बिल्कुल स्टार्टिंग की है, जब बोट टूर स्टार्ट ही हुआ था, इसके बाद जो बारिश है बहुत ज्यादा हो गई थी, स्टॉर्म था, सब नीचे आ गए थे। और इसके बाद जैसे ही आप बोट में जाते हो और बोट टूर स्टार्ट होता है, सबसे पहले आपको ये लोग लंच सर्व करते हैं जो कि टूर के प्राइस में ही इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे आपको चिप्स मिलते हैं, प्रोटीन बार मिल जाता है, और यहाँ पे केचप रैंच वगैरह भी आपको साथ में मिलती है, के साथ ही एक चिकन बरीटो मिल जाता है जो कि बिल्कुल ही वाहियात था। तो 90% जो बोट में लोग थे उन्होंने नहीं खाया, बट यहाँ पे कॉफी वगैरह या ड्रिंक जो है आपकी चॉइस की ये लोग सर्व करते हैं, तो वो आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप खाना ही चाहते हो, क्योंकि 6 घंटे का टूर है तो ऑब्वियसली आप भूखे नहीं रह सकते, यहाँ पे आपको कैफे भी मिल जाता है, और कैफे के अंदर चॉकलेट से लेकर बियर तक हर चीज आपको मिलती है, बट आपको पे करना पड़ता है। जो लंच है सिर्फ वही फ्री है, यहाँ पे ड्रिंक्स हो गए, स्नैक्स हो गए, सारी चीजें आपको इस कैफे के अंदर मिल जाती है। और पहला स्टॉप जो था वो था सी के अंदर एंटर करने से पहले ही, जैसे ही हम लोग एंटर कर रहे थे तब हमें यहाँ पे जो कुछ सील्स है आराम करते हुए दिखे, तो जो बोट है उसने यहाँ पे रोक दिया ताकि हम लोग कुछ पिक्चर्स क्लिक कर पाए। और इसके बाद जो एक्सपीरियंस हुआ वो इससे पहले कभी भी चीज मैंने नहीं देखी थी। जैसे ही हम लोग एंटर किए मेन सी के अंदर, तो जो स्टॉर्म वार्निंग है उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया कि कितना रियल था वो, और ऐसे बम्प्स कभी मैंने फील नहीं किए अपनी लाइफ में, बड़े से बड़े रोलर कोस्टर में भी ऐसी कोई चीज मैंने एक्सपीरियंस नहीं की। पूरा टाइम जितना टाइम हम लोग बोट के अंदर थे बैठना भी मुश्किल हो रहा था, इतना ज्यादा बाउंस
हो रही थी बोट, और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो जो लोग हैं कुछ ना कुछ पकड़ के ही खड़े हैं, क्योंकि अगर आप सीधा खड़े हो रहे हो तो गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। बोट जो है कुछ कुछ टाइम के लिए हवा में ही जा रही थी, इतनी बड़ी बड़ी वेव्स आ रही थी, और बारिश जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। ऐसी बारिश समुंदर में होती है सुना था, बट पहली बार यहाँ पे फील किया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोग थे, ऑलमोस्ट 70-80% के आसपास जो लोग थे उनको वॉमिट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, कुछ लोगों को चक्कर आ रहे थे, तो बैग्स पास करो कभी कुछ करो, बहुत ही बुरी सिचुएशन थी। बट कुछ लोग फन भी थे, जो आप देख सकते हो फ्रंट में बिल्कुल पकड़ के खड़े हो रखे थे, चाहे उड़ रहे थे बार बार बाउंस होने पे, बट वो लोग वहीं खड़े रहे पूरे भीग भाग के भी बारिश में। कुछ एडवेंचरस सोल्स होती हैं, बट ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा बम्पी राइड थी, बहुत बहुत ज़्यादा बम्पी राइड थी। बट इस सब के बाद, ये सब हमने झेला, इसके बाद जो व्यू था वो ग्लेशियर का दिखने लग गया। एंड ग्लेशियर का सिर्फ नाम सुना था कि ग्लेशियर नाम की कोई चीज़ होती है, फोटोज़ देखी थी, बट कितना बड़ा होगा रियल में इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। और जैसे जैसे पास आ रहे थे हम लोग इस ग्लेशियर के, कितनी ज़्यादा बर्फ़, एंड लाइक बहुत ही क्रेजी सीन था। मैं खुद नहीं समझा पा रहा हूँ कि मैं बोलूँ क्या वर्ड यूज़ करूँ इसके लिए, बट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ये चीज़ मुझे लगी। मैंने ऐसी कोई भी चीज़ आज से पहले नहीं देखी थी, और जितना पास बोट आ रही थी उतना ही ज़्यादा बड़ा ये जो स्ट्रक्चर है होता चले जा रहा था, जो ग्लेशियर है बहुत ही अमेजिंग है। आज वेदर ख़राब था तो हम लोग पास नहीं जा सकते थे ज़्यादा, बट समर्स के टाइम पे जब वेदर अच्छा होता है, धूप वगैरह निकली होती है थोड़ी, तो आप यहाँ ग्लेशियर के ऊपर भी जा सकते हो, तो वो एक्सपीरियंस जो है वो और भी अमेजिंग होगा। अगर ये वीडियोस चलती हैं एंड कुछ इनकम मुझे होती है तो डेफिनेटली मैं समर्स में जाने का भी ट्राई करूंगा, क्योंकि समर्स में यहाँ पे सारा टाइम जो है दिन ही रहता है, 3-4 घंटे के लिए ही रात होती है, बाकी सारा टाइम यहाँ पे सूरज रहता है, तो वो भी मैं देखना चाहता हूँ। बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप लोग कितना ज़्यादा वीडियोज़ को प्यार देते हो। एंड एक दो वीडियोज़ ही रह गई हैं अलास्का सीरीज़ की, और अब चलो अब बैक टू टॉपिक। अगर टॉपिक पे बैक आए तो जैसे जैसे पास जा रहे थे, जैसे मैंने कहा और बड़ा होता जा रहा था ग्लेशियर, और उसके बाद जब बोट इन्होंने पार्क की तो सब जो लोग हैं एकदम से आगे फ्रंट में पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। और जब एक बार आप इसके इतना पास से इस चीज़ को देख पाते हो तब आपको पता चलता है कि ग्लेशियर क्या चीज़ है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखने में यार बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, बहुत सी दुनिया घूमी है बट ऐसा कुछ पहली बार एक्सपीरियंस किया। एंड मैंने इनसे पूछा कि यार ये जो कलर है इसका इतना ब्लूइश क्यों है, ये तो मतलब बर्फ़ है, ये इतनी ब्लू क्यों है। उन्होंने मुझे बताया कि हज़ारों सालों से ये जो चीज़ है ऐसी ही है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ट्रैप हो जाती है इसके अंदर, तो उसकी वजह से इसका जो कलर है वो इस तरीके का ब्लूइश हो जाता है। एंड ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिले तो जाना ज़रूर यार। एंड अभी आप वीडियो देखो और मुझे बताओ ज़रूर कि आपको ये कैसी लग रही है। आई नो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो शायद थोड़ा सा मज़ा ख़राब हो रहा हो, बट स्टिल ये जो चीज़ है मैंने इससे पहले हिंदी में किसी भी वीडियो में नहीं देखी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करो एंड शेयर ज़रूर कर देना यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। और जब हम लोग वापस जा रहे थे तो जाने से पहले आपको पता है ये मैंने देखा है, अपने इंडियन लोग जो हैं सारे कपड़े उतार के टी शर्ट में फ़ोटो पता नहीं क्यों खिंचाते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो यहाँ पे भी मेरे कुछ भाई थे जो लगे हुए थे फ़ोटो खिंचाने, और इसके बाद जब वापस जा रहे थे तो जो तूफान था वो और ज़्यादा तेज़ हो गया, और उसके बाद जो बम्प्स थे वो पहले से भी ज़्यादा थे। और यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो जो वेव्स हैं किस तरीके का, यहाँ पे समुंदर का जो पानी है वो ऊपर नीचे हो रहा है। बोट जो है काफ़ी देर के लिए एयर में ही रह रही थी, बहुत ज़्यादा हवा में जैसे जंप मारते हैं ना बोट, तो वैसा कुछ यहाँ पे हो रहा था, सर्कस वाली काम था। एंड इस टाइम पे जो हालत थी बोट में ज़्यादातर पैसेंजर्स की वो बहुत बुरी थी। जैसे भाई देख सकते हो नीचे बैठा हुआ है बेचारा, वॉमिट कर करके थक गया, और कोई स्टेयर्स को पकड़ के बैठा है, कोई कुछ, मतलब बहुत बुरी हालत थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे जो स्टॉर्म वार्निंग थी वो बहुत ही खतरनाक थी, बट एट द एंड सब कुछ ठीक रहा, किसी को कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, वॉमिट वगैरह ही की, कुछ लोगों को चक्कर आ रहा था, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही एडवेंचर वाला ये काम था। और इसके बाद जब हम लोग वापस जा रहे थे तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें थी जो हम लोगों को देखने को मिली, इसके अलावा कुछ नई चीज़ें यहाँ पे पता लगी, तो अगर उनकी बात करें तो वो अब दिखाता हूँ। और ये जो टनल्स आपको दिख रही हैं, यहाँ पे माइंस को टेस्ट करते थे गवर्नमेंट वाले, ब्लास्ट वगैरह होते रहते थे। और ये सब जो पता चल रहा है, यहाँ पे स्पीकर्स लगे हुए हैं बाहर, इनकी मदद से पता चल रहा है, ये लोग हर चीज बताते रहते हैं पूरे टूर के टाइम पे, तो बहुत ही अमेजिंग टूर है। बट बीच में जो बम्पी राइड थी उसने हिला के रख दिया। और 1970s में ये जो घर है फ्री में अलास्का गवर्नमेंट ने बना के दिए थे, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं था यहाँ रहने में। अब आप सोचो यहाँ रहेगा भी कौन। और अभी हम नेशनल पार्क से बाहर आ गए हैं, पहुंचने ही वाले हैं सीवर्ड सिटी के पास। अमेजिंग प्लेस यार, ऐसा व्यू कभी नहीं देखा, अमेजिंग। बहुत ठंड है पर
इतने लोगों की तबीयत खराब हुई है, इतने लोगों को वॉमिटिंग वाले बैग हमने दिए हैं, क्या ही कहें। और इस सब के बीच में एक एयरबीएनबी भी है जिसको आप रेंट कर सकते हो, बट आपको काफी 6-7 महीने पहले एडवांस में बुक करना पड़ता है। मरीना से आपको बोट रेंट करनी पड़ेगी, वो जो बोट है आपको यहाँ पे ड्रॉप कर देगी और उसके बाद आप यहाँ पे रह सकते हो पूरी रात, 2-3 दिन, जितना भी आप रहना चाहो, तो ये भी हो सकता है। और इसी के साथ जो अपना टूर है वो यहीं पे हुआ ख़त्म। पूरी ट्रिप में बारिश होती रही, फिर से अभी बारिश ही हो रही है और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, तो भाग के जाते हैं। और अभी आधा घंटा पहले ही हम लोग पहुँच गए हैं टाइम से। एक्सप्लोर तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये तो छोटी सी एक जगह है। और जो टूर है वो ख़त्म हो गया है, ग्लेशियर हमने देख लिया और पूरा जो टूर था मज़ेदार था। आपको कैसा लगा आप बताओ कमेंट्स में। और बारिश जो है बहुत तेज़ हो रही है, अभी सीवर्ट में है, यहाँ से 4 घंटे की ट्रेन राइड है। ट्रेन जो है वो है 5:30 बजे, 5 बज गए हैं और बस अभी शटल जो है वो आने वाली है। और मैंने सोचा आउटरो शूट कर लें फटाफट से आपके लिए। अब आप मुझे बताओ कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और अब इसी नोट के साथ वीडियो को करता हूँ खत्म, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब टेक केयर, बाय।